बेटा सेकंड वाला प्रूफ भी बड़ा इजी। निहारिका खड़े हो, पहले तो आप देखो एंगल ट्रायंगल एबीडी दिख रहा है और एंगल सीबी दिख रहा है कि ट्रायंगल दिख रहा है एबीडी और सीबी। अब एबीडी और सीबी में पहला एंगल इक्वल बताओ कौन सा, 90 डिग्री, और उसमें सीबी में ठीक है पहला एंगल तो ये इक्वल हो गया, दूसरा एंगल बताओ। कोई एक एंगल आ रहा है इक्वल, एंगल बी कॉमन आ रहा है, एंगल बी कॉमन नहीं दिख रहा, हो गया भाई सिमिलर, बस सेकंड वाला भी सिमिलर हो गया। आपको समझ में आया, ऑनलाइन बैठ जाओ, ऑनलाइन समझ में आया कौन कौन से दो एंगल इक्वल है? क्वेश्चन आ गया एंगल ए डी बी और एंगल सी बी 90 डिग्री है और एंगल बी कॉमन है, तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया? ए आ गया। क्राइटेरिया लग गया। लिखो भाई सेकंड, एन ट्राइंगल ए बी डी एन ट्राइंगल सी बी, स्वाभाविक बताइए क्लियर है? एंगल्स ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ईच 90 डिग्री और एंगल बी इक्वल टू एंगल बी कॉमन, सो बाय ए सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी ट्राइंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी, यही हमें प्रूव करना था। ए डी बी इज इक्वल टू सी बी, एक ही बात है, ए डी बी लिखो या ए बी डी लिखो, तो सी बी लिखो या सी बी लिखो, तो ये सेकंड वाला प्रूव हो गया। सेकंड प्रूफ में किसी को डाउट बेटा, किसी को भी डाउट है तो पूछ लीजिए, क्लियर है? ऑनलाइन किसी को डाउट कंगना, क्लियर नहीं सर, है कोई डाउट नहीं। यस कंगना? सर कोई डाउट? नो सर। चलिए थर्ड वाला ट्राइंगल देखिए, एईपी और ट्राइंगल एडीबी, एईपी एंड ट्राइंगल एडीबी, एईपी एंड ट्राइंगल एडीबी, एईपी और ट्राइंगल, सही लिखा है क्या मैंने? एईपी हाँ सेम, बिल्कुल से क्लियर है। ईशान खड़ा हो, कौन कौन सा एंगल इक्वल है? एंगल ए कॉमन होगा, बिल्कुल सही। कौन सा एंगल 90 डिग्री है बेटा? एक कौन सा एंगल 90 डिग्री है? बाकी एक एंगल 90 डिग्री और एंगल एक कॉमन है, लिखो इसको भी लिखो, थर्ड वाला लिखो। इन ट्राइंगल एईपी एंड ट्राइंगल एडीबी, एंगल पीएई इज इक्वल टू एंगल डीएबी कॉमन है, कॉमन एंगल ए मत लिखना बेटा, और दूसरा एंगल एईपी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी ईच 90 डिग्री, सो बाय ए सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी ट्राइंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी बी। चलिए ये हमारा थर्ड वाला प्रूव हो गया।
सर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए नहीं लिख सकते? नहीं लिख सकते बेटा, वो एक एंगल है, पूरा एक एंगल नहीं है ना, इतना सा एंगल है, इसको एंगल ए कैसे लिखोगे? यदि सिर्फ एक एंगल ऐसा आ रहा था बी, जैसे ये बी है, अब इसमें कोई एंगल ही नहीं बन रहा, इसलिए मैं एंगल बी इक्वल टू एंगल बी लिखू। आई बात समझ? यस सर। अब तीसरा एंगल है पीडीसी और एंगल बीएफसी, पीडीसी और एंगल बीएफसी, बीईसी, बीईसी तो सेम है, एक तो एंगल है पीडीसी, पीडीसी और एंगल बीईसी वही सेम है, अभी ये बताया बिल्कुल सेम टू सेम, एक एंगल 90 डिग्री और एक एंगल कौन सा कॉमन है, सी वाला, जो उसको लिखना पड़ेगा लेकिन आपको। चलो लिखो फोर्थ वाला, इन ट्राइंगल पीडीसी एंड ट्राइंगल बीईसी, इन ट्राइंगल पीडीसी एंड ट्राइंगल बीईसी, एंगल पीसीडी इज इक्वल टू एंगल बीसीई कॉमन, और एंगल पीडीसी इज इक्वल टू एंगल बीईसी ईच 90 डिग्री, so triangle PDC is congruent to triangle or similar to triangle BEC by A similar to। चलिए अब ये समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन पूरा अच्छी तरह से सबको? यस सर। चलिए लिख लीजिए इसको। और यही मैं तुमको पिछले दो क्वेश्चन में समझा रहा था कि आपको कैसे देखना है, वो चीजें आपको मैं समझा रहा था कि कैसे देखें। अब जैसे इसमें देखना आपको क्लियर हुआ कि ऐसे देखा जाता है, और वो ही साइड में देखा जाता है, ये एक्सक्यूज मी सर। बिल्कुल बोलो सर, इस जैसे इसके चारों पार्ट्स में बाय ए ए सिमिलैरिटी आया है, तो ऐसे मतलब हमेशा होता है क्वेश्चन में? क्या मतलब? मतलब जैसे कि इसके चारों जो पार्ट्स के अपन ने उस चारों में ही ए ए सिमिलैरिटी वाले आए हैं? ऐसा कोई जरूरी नहीं। अच्छा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। सर फोर्थ वाले की फर्स्ट लाइन में ट्राइंगल बीईसी आएगा क्या? ट्राइंगल, ट्राइंगल आएगा या फिर एंगल ही आएगा? वो ट्राइंगल लिखा हुआ है, वो तो ट्राइंगल है, वो तो उसमें तो इतना तो समझो बेटा, एंगल थोड़ी है। अब ये तो जल्दबाजी में लिखने का तरीका है, इसलिए ऐसा लिख दिया, तो ट्राइंगल ही आएगा, एंगल क्यों आएगा? Is a point on side AD produce of parallelogram ABCD। देखो parallelogram ABCD, ये parallelogram ABCD बना दिया भाई, ABCD is a point on side AD with BE intersect CD। At F, prove that triangle ABE is similar to triangle CFD। ये हमें प्रूव करना, और ABCD is a parallelogram given है आपको, ABCD is a parallelogram।
कौन बताएगा? बताओ कैसे होगा? विजन? हाँ हाँ बोलो, तू बोलो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। करस्पोंडिंग कहाँ से? कौन सा एंगल? कौन कौन सा एंगल? सी ये वाला और एंगल ई बी सी सी बी एफ। बिल्कुल सही, ये सही। ऑल्टरनेट इंटीरियर वो कहाँ हुआ? कहाँ पैरेलल? ये पैरेलल है तेरा, ठीक है। ये इसकी क्या है? ट्रांसवर्स। हाँ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सही है। जेड बनना चाहिए, सिंपल सी बात है, जेड बनना चाहिए। जहां जेड बनेगा वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा। जेड ये ऑल्टरनेट इंटीरियर, जेड ऑल्टरनेट इंटीरियर। अब देखो इसमें ये दोनों पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, तो जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा? बन रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल। ये रहा, ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो देखो जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल। हमेशा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के लिए क्या बनना चाहिए? जेड। चाहे उल्टा जेड बने चाहे सीधा जेड बने, पैरेलल लाइंस के साथ। तो आप कुछ भी ले लो, जो इसने बताया वो ले लो या जो तनुश्री ने बताया वो ले लो। लिखो एंड ट्राइंगल ए बी एंड ट्राइंगल सी एफ बी, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम आर इक्वल, और दूसरा एंगल कुछ भी ले लो। अब जब तुमने बोला एंगल ए बी ई इज इक्वल टू एंगल सी एफ बी, कौन सा? ऑल्टरनेट इंटीरियर। सो ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी एफ बी। सबको क्लियर है? ऑनलाइन बेटा एक एंगल आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अपोजिट एंगल्स है, और ये वाला एंगल देखिए ये जेड बन रहा है, तो बेटा ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए ये दोनों एंगल। ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, और ये इसकी ट्रांसवर्स है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गए, ठीक है। या फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गए, एक ही बात, कोई सा भी लिख लो, ठीक है। चलिए भाई आज का काम इतना।